हाँ जी बच्चे, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपका आएगा ही आएगा। तो यूटिलिटी को स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंज्यूमर। पहला क्या है बच्चे, व्हाट इज़ डिमांड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं? आप कहोगे कि कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है। हु डिमांड्स द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंज्यूमर, है ना। जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा वो कौन है? कंज्यूमर है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बच्चे ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्यों? आप अपनी मम्मी से डिमांड करते हैं मम्मी खाना निकाल दो, तो क्या मम्मी आपको एज अ कंज्यूमर ट्रीट करती हैं? पापा से डिमांड करते हो पापा ये चीज़ लानी है मेरे को, ये सामान दिला दो, तो क्या पापा के लिए आप एज अ कंज्यूमर हैं? नहीं। लेकिन आपके माइंड में जब मैंने पूछा था हु इज कंज्यूमर, तो आपने कहा था हु डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंज्यूमर। जो गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड करता है वो कंज्यूमर है। तो मैंने इसके काउंटर में एक मैंने एग्जांपल लिया कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड करते हो, तो क्या आप उनके लिए एज अ कंज्यूमर हो? नहीं हो। तो ये डेफिनेशन तो गलत हो गया कि हु डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंज्यूमर। क्लियर है ना बच्चे? तो कंज्यूमर होता कब है? आप कहोगे सर दुकान पे डिमांड करते तब कंज्यूमर होता है। अब एक दुकान पे कोई मांगने वाला चला जाए तो वो दुकान वाले के लिए तब भी वो कंज्यूमर नहीं होगा जबकि वो डिमांड कर रहा है। कंज्यूमर तब बनते हैं आप जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं। क्या आप अपने घर में गुड्स सर्विसेज को बाय करते हैं अपने पेरेंट्स से? नहीं। इसलिए अपने घर में आप कंज्यूमर नहीं थे। क्या वो जो मांगने वाला आया है दुकान पे, क्या वो खरीद रहा था उससे? इसलिए वो भी कंज्यूमर नहीं है। आप जब दुकान पे दूध लेने जाते हो या कोई सामान लेने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, तो आप खरीदते हो। हु बायस गुड्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइड हिज वांट्स। जाहिर सी बात, आप क्यों खरीद रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज? अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। उस केस में आप क्या होंगे? उसके लिए कंज्यूमर होंगे। क्लियर है? तो जब भी आप दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो उस दुकानदार के लिए आप क्या हो जाते हैं? कस्टमर हो जाते हैं, कंज्यूमर हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आया हु इज कंज्यूमर? क्लियर है? तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन तो हम ये लेते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर। तो क्या कहता है ये? अ कंज्यूमर इज वन हु बायज, देखो बाय लिखा है ना वर्ड, हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ऑब्वियसली आप अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहे हो। ही टेक्स डिसीजन विद रिगार्ड टू द काइंड ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड। क्लियर है बच्चे? तो क्या ये, ही टेक्स डिसीजन विद रिगार्ड टू काइंड ऑफ द गुड्स टू बी परचेज्ड। वो गुड्स को खरीदने के रिगार्ड में क्या करता है? डिसीजन लेता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड हिज वांट्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम। और एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है? जब भी आप किसी दुकान पर जाते हो तो आपका उद्देश्य क्या होता है, आपका पर्पज़ क्या होता है बच्चे? आपका पर्पज़ तो यही होता है ना कि आप अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करें। यही पर्पज़ होता है ना आपका बच्चे, कि आप अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करें। ये समझ में आ गया हु इज कंज्यूमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, बड़े तसल्ली से पढ़ना है, एक एक चीज वर्ड क्लियर हो जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि रक्षाबंधन का माहौल है, पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपीज दिया कि बेटे अपने लिए टी शर्ट शर्ट जो भी आपको पसंद हो आप अपने लिए शॉपिंग कराओ ले आओ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये आएगा कि सबसे पहले देखोगे कि आपका बजट क्या है, 1000 रुपीज़ है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक मार्केट सेलेक्ट करोगे कि भैया इस बजट में कौन सी मार्केट बेस्ट रहेगी। उसके बाद आप ये माइंड में प्लान भी करोगे यार मुझे क्या लेना है। फॉर एग्जांपल आपने प्लान करा कि टी शर्ट लेनी है आपको, तो टी शर्ट का किस टाइप का आप टी शर्ट लेंगे, कलर क्या लेंगे, कॉलर वाली लेंगे विदाउट कॉलर वाली लेंगे, क्या डिज़ाइन होगा नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में पहले से सेट हो जाती हैं जब भी कोई सामान लेने जाते हैं कि कुछ इस टाइप का चाहिए, और आप निकल पड़े मार्केट में उसको खरीदने के लिए। अब आप जैसे ही मार्केट में पहुंचने ही वाले थे, मार्केट शुरू होने से जस्ट थोड़ा सा पहले ही वो चीज़ें को दुकानों पे आपको लगी हुई दिख गई जो कि आपके अपने माइंड में था, तो क्या आप उतरेंगे और जाएंगे दुकान वाले को बोलेंगे ये पैसे ये सामान पैक कर दो और पैक करके अपने घर ले आएंगे?
ऐसा नहीं कर, आप तो अभी मार्केट में घुसे भी नहीं हैं। आप सोचोगे एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट के अंदर जाते हैं, थोड़ा जांच पड़ताल और कर लेते हैं। शुरू में इतनी अच्छी चीज़ दिख गई, आगे पता नहीं और क्या क्या दिख जाए। क्योंकि आपकी कोशिश क्या है, पूरा पैसे को जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सको, जितना ज़्यादा अपने आप को बेनिफिट दे सको उस पैसे से, जो पैसा है उतना बेनिफिट देने के एफर्ट्स लगाएंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको मान के चलो आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर है क्लासेस लेने के लिए, और आपके पास में तीन चार ऑप्शंस हैं, तो रैंडम ऐसे नहीं कहीं भी कोई भी स्टूडेंट या मैं हूँ इवन आपकी जगह पर, हम रैंडम कहीं भी आँख बंद करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा मेरे पैसे का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज हो, ज़्यादा ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिले। तो जो बेस्ट से बेस्ट होगा, चार पाँच जो ऑप्शन है मेरे पास में, मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा। मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँगा तो मैं भी यही प्लान करूँगा, है ना, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के जो इंटेंशन क्या रहता है कि वो उसके पास में जो भी बजट है उसके अंदर वो चाहता है कि वो अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करना। इसलिए आपने स्टार्टिंग में जब आपने वो चीज़ देखी तो आपको रियलाइज नहीं हुआ कि जो आपको बेनिफिट दे रहा है या आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है। आपने सोचा कि आगे अभी और भी ऑप्शंस देखने चाहिए, क्या पता और भी इससे बेटर हो। आप मार्केट में गए, एक दुकान में दिखा, दो चार चीज़ें देखी, छोड़ा, दूसरी दुकान पे गए, दो चार चीज़ें देखी, थोड़ा दुकानों पर नज़र मारा, फिर तीन एक दो दुकानों पे गए, फिर आपने चीज़ें निकाली, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार वही ठीक था जो शुरू में देखा है। फिर वापस गए उस स्टार्टिंग वाली दुकान पे और वहां जाकर के आपने उस चीज को बाय करने का डिसीजन लिया। अब मुझे एक बार बताओ, जो आपको लेना यही था तो आप इतने मार्केट में घूम के आपने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये रियलाइज नहीं था कि यही आपको मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है। आपको लग रहा था इससे भी बेटर कोई सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए आपने और ऑप्शंस देखे। जब आपने कंपेयर करा और जब आपको रियलाइज हो गया कि यार वो जो है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है उस बजट में, तो फिर आपने, जब आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इससे ज्यादा मुझे और कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं दे सकता है, जब जाके आप बाय करने का डिसीजन आपने लिया। अगर आपको ये लगे कि यार यार इससे बेस्ट कुछ हो सकता है, तो क्या आप उसको खरीदते हो? कोई कान में आके बोल दिया यार बड़ा शोरूम में ब्रांडेड चीजें लग रही हैं 80 रुपये में, फौरन उसको भी छोड़ के भाग जाओगे? आप किसी को बाय करने का डिसीजन लेते कब हो? जब आपको रियलाइज हो कि वो आपको आपके उस इनकम में, उस बजट में आपको वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इससे ज्यादा कोई और सेटिस्फेक्शन लेवल आपको नहीं दे सकता, जब आप उसको बाय करने का डिसीजन लेते हो ना बाय करने का डिसीजन। तो जब आप किसी कमिटी को बाय करने का डिसीजन ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपको उस बजट में वहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। तो जो वो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन बोलते हैं हिंदी में इसको। संतुलन में हैं आप, अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं, आप संतुलन में, आप बिल्कुल ये यहीं पे रहूंगा मैं, समझ में आया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया। और वहां पे अगर वो दुकानदार बोले नहीं यार ये नहीं दूंगा, ये डमी के लिए कुछ और देख लो, क्या आप कुछ और देख लोगे? तो जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब आप बाय करने का डिसीजन बना लेते हो, तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करोगे, समझ में आया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लियर है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब आपके माइंड में ये आ जाए कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि भैया हाई क्वालिटी के गुड्स का कंजम्पशन करना, लाइक जैसे मुकेश अंबानी कंजम्पशन करता है, बड़े ब्रांडेड ब्रांडेड जो बड़े महंगी महंगी वॉच पहनता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है क्योंकि वो बड़ी अच्छी क्वालिटी यूज़ करता है। जो हम गरीब लोग हैं या जो हमसे भी जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, उनको तो कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज को अचीव ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इतने अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है बच्चे, हर एक इंसान कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज को अचीव करता है। क्या जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है, क्या वो कुछ खरीदता नहीं है? वो अपने ही बजट में अपने ही ऑप्शंस को देखता है, उसमें से जो उसके लिए बेस्ट होता है उसका सिलेक्शन करता है, तो वो भी कंज्यूमर क्लेम के स्टेज को अचीव कर रहा है। मैं और आपकी जो इनकम है, हम अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है उसमें से हम बेस्ट का सिलेक्शन करके लाते हैं, हम भी कंज्यूमर क्लेम के स्टेज पर है। जो रिच क्लास के लोग हैं वो भी कंज्यूमर क्लेम के स्टेज पर है, समझ में आया बच्चे? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत हाई क्वालिटी के गुड्स का कंजम्पशन करके अपने आपको मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहे हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो भी आपका बजट है उसमें जो भी ऑप्शन है उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन कर रहे हो। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर, व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो बच्चे क्या कहता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन, एक वो सिचुएशन है अंडर विच ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी।
जाहिर सी बात है वो अपने गिवन इनकम को कमिटी को खरीदने पे खर्चा कर रहा है इन सच अ वे, और इस तरीके से खर्च करता है कि दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ये बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड ही फील्स नो अस टू चेंज. समझ में आया बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? क्लियर है ना? अब हम बच्चे पढ़ेंगे डिफाइन द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. डिफाइन द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, ठीक है बच्चे? अब देखो यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है बच्चे, कोई भी कम्युनिटी के अंदर एक जो है क्वालिटी होती है जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड कर रही होती है. जैसे रसगुल्ला है, उसके अंदर मिठास है, वो आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, उसकी मिठास आपके वांट्स को सेटिस्फाइड कर रही है, आपको प्यास लग रहा है. तो पानी के अंदर भी एक पावर और कैपेसिटी है, वाटर के अंदर वो आपकी प्यास बुझा सकता है. खाना है, चपाती है, उसके अंदर भी एक पावर और कैपेसिटी है जो आपकी भूख मिटा सकता है. कपड़े के अंदर भी एक पावर और कैपेसिटी है जो आपको अच्छा दिखने में हेल्प कर सकता है और आपका तन ढक सकता है, आपको ठंड से बचा सकता है. जूतों के अंदर भी एक पावर और कैपेसिटी है जो आपको कंकड़ पत्थर लगने से बचा सकता है, आपके पैर को सेफ रख सकता है. ये स्मार्ट बोर्ड के अंदर भी एक पावर कैपेसिटी है जो कि मुझे इतना ज़्यादा आपको लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कि मैं बोलता रहूँ आप लिखते रहो, एक घंटे हो गए आप अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर चला जाऊँ, मुझे ये नहीं पता कि क्लास में सर ने पढ़ाया क्या, या फिर मैं लिखता रहूँ और आप नोट करते रहो जो मैं बोल रहा हूँ, कम से कम सामने उसको आप पढ़ लो तो सिलेबस थोड़ा स्पीड से हो जाएगा. तो इसके अंदर एक पावर कैपेसिटी है कि बच्चे को बिना मिस्टेक के सभी चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं, पढ़ना थोड़ा आसान हो गया है. तो हर चीज के अंदर क्या है, एक पावर और कैपेसिटी है जो कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड कर रही है ना? तो जो पावर और कैपेसिटी होती है ना कमोडिटी के अंदर, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी. इसको क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब बेसिकली बच्चे असंतुष्टि होता है, क्या अरे भाई संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कोई बोलते हैं ना, है? तो मतलब कि संतुष्टि को तो हम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, है ना बच्चे? संतुष्टि हिंदी में हो गया और इंग्लिश में आप लोग सेटिस्फेक्शन बोलते हैं कि यार मैंने चीज़ उसके दुकान पे गया था, यार इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन डबल ज़्यादा हुआ. तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसी वर्ड को यूटिलिटी बोलते हैं और कुछ नहीं है. समझ में आया? क्लियर है? तो यूटिलिटी क्या है, संतुष्टि मिलती किससे, किसी वस्तु के उपभोग करने से, किसी कमिटी के कंजम्पशन करने से, जो उसकी पावर और कैपेसिटी आपको मिलती है जिससे कि आपकी वांट्स सेटिस्फाइड होती है, उसी वजह से तो आप बोलते हो कि भैया मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या फिर इसकी यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर और कैपेसिटी होती है, विच सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, यूटिलिटी. तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी विच सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी. समझ में आया बच्चे? क्लियर है? अब आपका जो सिलेबस है, इसकी जगह पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं, वो भी मैथ्स आपको कोई दूसरा मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं जो कि आपका इस आपका जो है सिलेबस का पार्ट है भी नहीं है, या फिर चलो मैं आपको संस्कृत पढ़ाने लग जाऊं और आपके एग्जाम में दूर दूर तक संस्कृत नहीं है, तो इसके अंदर पावर कैपेसिटी तो है, एक लैंग्वेज है जो सीखने पे आपके काम ही आएगी, बुक को पढ़ने में काम आएगी. पावर कैपेसिटी तो है, क्या वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है? इसलिए इस केस में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है आपके लिए. समझ में आया बच्चे? क्लियर है? आपके इस समय एग्जाम्स हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना सिलेबस कवर करके अपना एग्जाम देने पर फोकस है. तो संस्कृत लैंग्वेज में अच्छी स्ट्रेंथ है, पावर कैपेसिटी है, बट इस टाइम पर उसकी कोई भी यूटिलाइजेशन आपके लिए नहीं है. तो इसलिए क्योंकि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो पावर कैपेसिटी के साथ साथ में वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करेगा, तभी वो आपके लिए उसकी कुछ यूटिलिटी होगी. समझ में आया बच्चे? तो क्या है, यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी विद सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स. क्लियर है? अब बच्चे आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं. आप लोगों से क्वेश्चन ये है मेरा कि हर चीज को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब आपको सर ये क्या होता है, अच्छा बताओ क्लास कितनी देर की है आपकी, एक घंटे की. आपने देखो टाइम को न्यूमेरिकल में नहीं एक्सप्रेस कर दिया, 1 आवर की. ठीक है बच्चे? क्लियर है? अच्छा अब बताओ एग्जाम कितने
ड्यूरेशन क्या होता है आपका? 3 आवर। देखो मतलब टाइम को भी आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हो? न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर रहे हो। और इसकी यूनिट क्या है? आवर्स या मिनट या सेकेंड या डे कुछ भी है। तो क्या टाइम को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? ठीक है। वजन को, वेट को किस में करते हैं? केजी यूनिट हो गया इसका, वेट को केजी, ग्राम्स जो एक्सेप्टर जो भी है, पाउंड वगैरह। तो क्या हम वेट को भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसकी यूनिट क्या है? केजी। टाइम की यूनिट क्या है? आवर्स, मिनट, सेकंड। क्या डिस्टेंस को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैसे? इतने किलोमीटर से आ रहा हूं, इतने मीटर से आ रहा हूं, 2 किलोमीटर से आ रहा हूं, 200 मीटर से आ रहा हूं। तो डिस्टेंस को भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो किस यूनिट में? किलोमीटर एंड मीटर में। जब सब चीज को ही न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है तो सेटिस्फेक्शन लेवल को न्यूमेरिकली क्यों नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो सेटिस्फेक्शन लेवल को न्यूमेरिकली क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो? संतुष्टि का स्तर, जैसे आप कभी आइसक्रीम कंज्यूम करते हो तो आप तो यही कहते हो कि यार बहुत मजा आया। कितना मजा आया एग्जैक्ट बताते हो? तो हर चीज के लिए तो आपके पास में एग्जैक्ट नंबर है, बट सेटिस्फेक्शन के लिए आज तक कोई नंबर क्यों नहीं है? उसको न्यूमेरिकली क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते? क्योंकि वो फीलिंग्स है। ठीक है, आपके मैं बात को रखता हूँ। एक बच्चे ने कहा कि वो फीलिंग्स है। चलिए मैं इसके लिए अब काउंटर करता हूँ आपको। ठीक है, आज टेम्परेचर आज 38 डिग्री सेल्सियस है तो आप कितना फील कर रहे हैं? ये भी तो फीलिंग ही है। तो टेम्परेचर को भी तो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अरे आज बहुत ठंड लग रही है, कितने डिग्री? आज 2 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप कहते हो कि सर फीलिंग्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो भैया जो आपका जो वेदर है वो भी तो एक फीलिंग्स ही होती है, लेकिन उसको भी तो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, है ना? तो अब मेरा सवाल वापस वहीं पे आप वापस लौट के घूम के आपके पास लौट गया है कि बताओ सेटिस्फेक्शन लेवल को आज तक हम लोगों ने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि हम किसी कमोडिटी से कितना सेटिस्फाइड होंगे वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमारी वांट्स पे डिपेंड करता है। क्या कहा मैंने? अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही हो तो एक ग्लास पानी से बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको प्यास कम लग रही हो तो उस एक ग्लास पानी से, सेम ग्लास ऑफ वाटर से कम मज़ा आएगा। अगर आपको प्यास नहीं लग रही हो तो सेम ऑफ ग्लास ऑफ वाटर से आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल एक बार बहुत ज़्यादा भी आ रहा है, एक बार बहुत कम भी आ रहा है, एक बार नहीं भी आ रहा है, जबकि तीनों सिचुएशन में सेम ग्लास ऑफ वाटर है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? आपकी वांट्स पे। और क्या हम सबकी वांट्स सेम रहती है? जैसे अभी मुझे एक समोसा मैं खाऊं, एक समोसा आप सेम क्वालिटी सबको सर्व करते हैं तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, किसी को और ज्यादा मिला, किसी को थोड़ा कम मिला, किसी को बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि हम सबकी वांट्स अलग अलग है। तो सेम चीज सबको सेटिस्फाइड भी अलग अलग करेगी। सेम कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन लेवल भी पर्सन टू पर्सन डिफर हो जाएगी। इसलिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर यूनिट्स डेवलप नहीं हुई है और इसको आज तक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सके हैं। लेकिन आवर सबके लिए सेम ही रहता है, डिस्टेंस सबके लिए सेम ही रहता है, टेम्परेचर सबके लिए, तो इन सबको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो अब मैं आपसे फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि बताओ क्या सेटिस्फेक्शन लेवल को प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं? क्या सेटिस्फेक्शन लेवल को हम प्रैक्टिकल लाइफ में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डिपेंड हमारी वांट्स पे करता है, सबकी वांट्स वेरी करती है। अब लेकिन बच्चे एक बात बताओ मुझे, मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप। मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं क्राइम के ऊपर एपिसोड बनाना चाह रहा हूँ। एक जगह पे कोई क्राइम हुआ है, किसी का मर्डर हो गया, फिर पुलिस ने जांच पड़ताल किया, बाद में फिर बड़े घर का ही कोई निकला, बड़ा शातिर था, मुझसे पकड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन केस मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कैसे भी केस होते हैं। अब बताओ मैं दिखाऊँ कैसे वो केस, क्योंकि मेरे सामने तो जो कैरेक्टर है उनकी तो मौत हो गई है। पुलिस वाले तो एक्टिंग करने आएंगे, पुलिस वाले तो नहीं कर, तो मैं कैसे वो कैरेक्टर लेट कर लूँगा? लाइक मैं किसी एक्टर एक्ट्रेस को पकड़ूंगा, वो स्टोरी रियल वाली ही रहेगी, और एक नकली बंदा पुलिस बन के आएगा, एक नकली बंदा मुजरिम बन के आएगा, एक नकली बंदा वो जो विक्टिम है
वो बन करके आएगा, भाई नकली मतलब कि एक एक्टर एक्ट्रेस होंगे ये बन करके आएंगे, ये सारे नकली होने की वजह से क्या आपकी स्टोरी भी नकली हो जाएगी? नहीं। तो आप अजम्पशन अगर ले लेते हैं कि चलो भाई ये वही बंदा है विक्टिम है, ये वही पुलिस है, ये वही क्राइम करने वाला क्रिमिनल है, अगर आप लेट कर लेते हैं तो आपके लेट कर लेने से क्या स्टोरी फेक हो जाती है? नहीं। बट लेट कर देने से आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। तो ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेवल को कभी भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट मुझे इस चैप्टर को पढ़ाना है, बहुत कुछ बताना है, उसके लिए मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा नंबर्स में, लेकिन नंबर्स में लिखूं क्या जब होता ही नहीं, तो इसलिए मुझे भी लेट करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चे? तो चलिए अब मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि जो सेटिस्फेक्शन होता है बच्चे, जो सेटिस्फेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, इसको भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं इसको? जैसे कि वजन के लिए किलोग्राम हो गया, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर हो गया, टाइम के लिए आवर हो गया, टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस हो गया, सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए क्या हो गया, यूटिलिटी हो गई। तो यूटिलिटी क्या है? एक यूनिट्स है जिसके अंदर हम सेटिस्फेक्शन लेवल को एक्सप्रेस्ड करेंगे। अब आपको बात समझ में आई बच्चे? क्लियर है? तो आज से आपके इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हाँ, सेटिस्फेक्शन लेवल को भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, जिसको हम किस में कर सकते हैं, यूटिल्स के यूटिल्स के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट? अब मेरा टॉपिक है बच्चे आपके साथ में, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आप है ना आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहे हैं, अब आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहे हैं। आप कितनी आइसक्रीम खाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके लिए उसकी क्वांटिटी भी तो मेंशन करनी चाहिए। तो मैं उसकी क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है? क्लियर है? और उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा उसको यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? अब आपको बताता हूँ यूटिलिटी के भी पार्ट्स बताता हूँ मैं। यूटिलिटी भी दो तरीके की होती है बच्चे, एक होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, MU, और एक होगा टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना? मार्जिनल यूटिलिटी और एक क्या है, टोटल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। मैं आपको ना बार बार, अभी आप नए नए बिल्कुल अभी सीख रहे हैं तो दिमाग में एकदम से कनेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको एक आसान भाषा में इसका एक आसान सा नाम दे रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन। तो दो प्रकार की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी और एक टोटल यूटिलिटी। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं बच्चे। देखो क्या है कि आप आइसक्रीम के फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो, पहली आइसक्रीम का आपने कंजम्पशन किया, तो क्या कुछ मजा आया? मजा आया जल आया तो अभी तक तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको बता नहीं सकते थे कि कितना मजा आया, बस बहुत मजा आया, कम मजा आया, नहीं मजा आया, ज़्यादा मजा आया, बीच का मजा आया, इतना ही था। अब आप बता सकते हो। अब लेटरी कर रहा है भैया, आप जब मुझे किसी एक्टर को ला करके स्टोरी को प्ले करवाना है मुझे, तो ज़रूरी नहीं कि यही एक्टर इस स्टोरी को प्ले करेगा। कोई भी एक्टर पकड़ लूँ मैं, सलमान खान से भी करवा लूँ, शाहरुख खान से भी करवा लूँ, गोविंदा से भी करवा लूँ, मेरी स्टोरी पे क्या फ़र्क पड़ना है इससे? तो इसलिए मुझे फर्स्ट एस्ट्रीम में कंजम्पशन करा, मुझे सर्टिफिकेशन लेवल मिला, तो कोई भी एक नंबर आप लेट कर लीजिए, जरूरी थोड़ी ये नंबर याद करना है आपको। तो कोई नंबर बोलिए रैंडम, चलिए 10 बोलता हूँ मैं, ठीक है? तो सर्टिफिकेशन नंबर कितना मिला आपको, 10 यूटिल्स। भैया मैं जैसे कि वजन के लिए किलोग्राम शब्द का इस्तेमाल कर देता हूँ, तो वैसे ही अगर मैं सेटिस्फेक्शन लेवल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो इसके लिए भी तो इसके यूनिट का यूज़ करूँगा, 10 यूटिल्स। अब बच्चे कितनी आइसक्रीम से मिला सेटिस्फेक्शन लेवल,
पहली वाली आइसक्रीम से ही मिला है, एक सिंगल यूनिट से मिला है आपको ये। चलिए सेकंड, अगर आप आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहे हैं, सेकंड आइसक्रीम का अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको सेकंड आइसक्रीम का? तो क्या आपको इतना ही सेटिस्फाइड होंगे या इससे ज़्यादा आप होंगे? मैं सिर्फ सेकंड वाले से बात कर रहा हूँ, जो अभी मैं दूसरा आइसक्रीम उठा के मैं इसको खा रहा हूँ, इससे जो मुझे मज़ा आएगा क्या पहले वाले से ज़्यादा आएगा, पहले वाले के बराबर आएगा या पहले वाले से कम आएगा? क्यों भाई, आइसक्रीम वही, खाने वाला मैं वही, तो क्यों मुझे कम पहले से मजा आएगा? हाँ, सेटिस्फेक्शन लेवल डिपेंड किस पे करता है? हमारी वांट्स पे। जब मैं एक आइसक्रीम कंज्यूम कर चुका हूं तो क्या मेरी वांट्स अब उस लेवल की है? नहीं, रिड्यूस हो गई है वांट्स, तो अब मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से कम मिलेगा। समझ में आया बच्चे? तो सेकंड आइसक्रीम से मुझे कितने का मजा मिला? 8 UTs। बात समझ में आया बच्चे? तो ये दो आइसक्रीम से मजा आया या सेकंड वाले से आया? तो ईच एंड सिंगल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ईच एंड सिंगल यूनिट से, उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं बात समझ में आई? चलो अब तक कितने आइसक्रीम खाई थी? एक, तो टोटल कितना मजा आया? दूसरी वाली सेकंड से कितना मजा आया? सेकंड से कितना मजा आया? 8। तो एक ही आइसक्रीम से मजा आया ना, तो जो सिंगल यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब तक कितने आइसक्रीम कंज्यूम कर चुके हो? दोनों से टोटल मिला के कितना आया? पहले से 10, दूसरे से, दोनों से, दूसरे से, दोनों से, दूसरे से बोल रहा हूं तो मतलब मार्जिन यूटिलिटी, एक यूनिट के बारे में पूछ रहा हूं, दोनों से मतलब पूछ रहा हूं तो टोटल यूटिलिटी। समझ में आया? तो आपके ये क्या हुआ? 18 UTs। बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई समझ में? तो इसी तरीके से बताओ जरा, थर्ड आइसक्रीम का कंजम्पशन करूंगा तो कितना आएगा? आप 7 कर दो, 7.5 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, बस इतना है कि रिड्यूस होगा। 6 UTs, तो कितना आपके पास में आ गया? 24 टोटल हो गया बच्चे। एंड 4 से, चलिए 4 कर देते हैं, 4 UTs। 5th से 2 UTs। 6 से 0 UTs। एंड बच्चे 0 UTs, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज़ कंज्यूम करा कुछ मजा ही नहीं आया हो? होता है, जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुके हैं, अब आपको उसकी नीड नहीं है, खाना खाते खाते एक टाइम पे होता है ना, आप छोड़ देते कि नहीं भाई मुझे नहीं खाना, जो शुरुआत जिस मज़े से की थी अंत उस मज़े से नहीं हुआ, है ना, अब मज़ा नहीं आ रहा मैं छोड़ रहा हूँ। तो एक टाइम ऐसा आता है जबकि आप पूरी तरीके से आपकी वांट्स फुलफिल हो चुकी होती है, तो आपको उस कमोडिटी कंजम्पशन से कोई भी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता, 0 UTs मिलती है। इसको माइनस पे भी चले जाएगी अगर इसके बाद कंजम्पशन करोगे तो, क्योंकि अगर आपको कोई फोर्सफुली कंजम्पशन करवा देगा तो, क्योंकि वो आपका यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा अगर आपने फोर्सफुली कंजम्पशन करा तो। समझ में आया आपको बच्चे? क्लियर है? अब आप देखें यहाँ पर, तो 3 से अब तक 24 था, चौथे ने कितना दिया? 4, तो टोटल कितना हो गया? 5वें ने दिया 2, तो कितना हो गया? 6ठे ने दिया 0, तो कितना हुआ टोटल? और 7वें ने दिया -2, तो कितना हो गया? पहले मैं आपको समझा रहा हूँ मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तो मार्जिन यूटिलिटी समझ में आया आपको क्या है? एक सिंगल यूनिट से जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा उस सेटिस्फेक्शन लेवल को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एंड टोटल यूटिलिटी, अब तक जितनी यूनिट का कंजम्पशन करा उन सब से जो MU है उसका सम कर देंगे, लाइक आपने 3 यूनिट का कंजम्पशन करा तो तीनों से जो MU मिला फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से उसका सम कर देंगे, तीनों से कितना मिला वो टोटल यूटिलिटी। अब तक जितने भी यूनिट का कंजम्पशन करा उन सब से टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल कितना मिला उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। नहीं आई बस समझ में? नहीं आई, मैं समझाता हूँ फिर से। चलो एक बार बताओ मुझे, पहले MU बता देता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ठीक है? चलो आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी आप थर्ड यूनिट की बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी आप थर्ड यूनिट की बताओ कि तीसरे से कितना मजा आया, 2 से टोटल कितना मजा आया था, टोटल बताओ ना, 18 किससे आया था, फर्स्ट से सेकंड से या दोनों से?
दोनों से अब तक 18 आ चुका था, तीनों से अब तक कितना आ चुका? तो इसमें एडिशन कितना हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि तीसरा आपने कंज्यूम किया, तो जो इसके अंदर एडिशन हुआ है वो किसका सेटिस्फेक्शनेबल है? थर्ड का है। दो से अब तक 18, एक और कंजम्पशन करा, अब तीनों का मिला करके 24 है, तो एडिशन कितना हुआ? 6। तो 6 जो एडिशन हुआ टीयू के अंदर, वो एडिशन किसका है? वो थर्ड यूनिट का है ना। समझ में आया बच्चे? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट तक का और टोटल यूनिट यूटिलिटी 3 से 1 पहले तक का, ये कर रहे हो ना, और इसका आप डिफरेंस ले रहे हो। MU 3, टोटल यूटिलिटी 3 का कितना था आपका? 24। और 3 से पहले तक का मतलब 2 तक का कितना था? 18। तो MU आपका थर्ड का कितना आया? 6 यूटिलिटीज। एग्री करते हो बच्चे? तो अगर मैं आपसे MU nth, मैं मार्जिन यूटिलिटी आपको nth यूनिट्स की पूछ रहा हूँ, तो क्या आप लिखोगे? टोटल यूटिलिटी लोगे nth यूनिट्स तक के, उसके बाद टोटल यूटिलिटी nth से पहले 1 तक के लोगे, उसका डिफरेंस ले लोगे। समझ में आया फॉर्मूला? हाँ भाई। मैं अगर आपसे MU पूछ रहा हूँ n प्लस 1 तक का, तो टोटल यूटिलिटी लोगे n प्लस 1 तक का, इससे एक पहले तक का लोगे तो, इससे एक पहले लोगे तो n तक का। समझ में आया भैया बात? या फिर आप कह सकते हो कि चेंज इन TU, चेंज इन TU एंड चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन TU एंड चेंज इन क्वांटिटी इज MU। समझ में आया बच्चे? MU का फॉर्मूला नहीं आया समझ में? ये समझ में आया वाला फॉर्मूला? तो देखो TU में कितना चेंज आया, तो चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यों चेंज आया? क्योंकि इसमें क्वांटिटी चेंज आया 1, तो 6 का चेंज आया क्योंकि क्वांटिटी में का चेंज आया। तो मतलब कि अगले यूनिट से कितना मजा आ रहा है, एक सिंगल यूनिट से सेटिस्फेक्शन और कितना मिल रहा है आपको? 6। तो ये मार्जिन यूटिलिटी हो गया। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट? चलिए अगर मैं आपसे यहां पर टोटल यूटिलिटी पूछ लूं, टोटल यूटिलिटी बताओ आप n टर्म्स तक की, तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड, सो ऑन, मार्जिनल यूटिलिटी n तक का जाएगा आपका, जाएगा नहीं जाएगा? हेलो, हेलो, क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको ये? तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये बात समझ में आपको आ गई? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मैं आपसे आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ लेते हैं इसको जो पढ़ा अभी तक हमने। डिफाइन द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी। इट मेजर द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द गुड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट आइसक्रीम गिव्स यू सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल्स एंड सेकेंड 16 यूटिल्स, द टोटल यूटिलिटी ऑफ द टू फ्रॉम द टू आइसक्रीम इज द 20 प्लस 16, 36 यूटिल्स। क्लियर है बच्चे? nth यूनिट तक का टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे? MU1, MU2, MU3 एंड सो ऑन, MUn। समझ में आ गया?